नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी हॉर्स पावर कंपनी के इलेक्ट्रिक एसेसरीज की। तो जैसा कि दोस्तों मैंने उस वीडियो में बताया था कि इनके प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं, और उसमें मैंने एक एसी बॉक्स का जिक्र किया था। तो इस वीडियो में मैं इस एसी बॉक्स की वायरिंग करके आपको बताऊंगा कि इसके वायर आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और इसे कैसे यूज कर सकते हैं, और साथ ही यह भी बताऊंगा कि आप इस पर कौन कौन से उपकरण जो है वो चला सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको हॉर्स पावर कंपनी के बारे में बता दूं, तो मैंने इनके प्रोडक्ट सभी चेक किए हैं और उन्हीं के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि इनके प्रोडक्ट में कोई भी कमी नहीं है। सभी हैवी लोड के लिए और नॉर्मल यूज़ के लिए अलग अलग इनके उपकरण हैं और इनमें कोई भी कमी नहीं है। तो यदि आप अपने घर में बिजली फिटिंग करना चाहते हैं या फिर कोई और भी किसी भी कारण से आप स्विच सॉकेट वगैरह या वायर वगैरह कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं बिजली की, तो आप हॉर्स पावर कंपनी की खरीद सकते हैं। इनके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। हो सकता है कि प्राइस में आपको कुछ कम या फिर ज़्यादा देखने को मिले, लेकिन इनके प्रोडक्ट में आपको कोई भी कमी नहीं आएगी। तो अब बात करते हैं दोस्तों एसी बॉक्स के बारे में। दोस्तों एसी बॉक्स जो है हैवी उपकरण चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। यह कोई अलग डिवाइस नहीं है, बस इसके अंदर आपको एक पावर सॉकेट मिलती है और एक एमसीबी या फिर 16 एम्पियर का ही स्विच देखने को मिलता है। तो इस एसी बॉक्स को थोड़ा मॉड्यूलर तरीके से तैयार कर दिया गया है, इसलिए नाम जो है एसी बॉक्स रखा गया है। और इसे मॉड्यूलर तरीके से बना दिया गया है ताकि यह आपके एसी के ऊपर या फिर कहीं पर आप इसे इंस्टॉल करें तो वहाँ पर यह थोड़ा सुंदर सा दिखे। इस पर दोस्तों आप हैवी उपकरण चला सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि टी टाइप की एमसीबी दी है और एक ये पावर सॉकेट दिया है। तो हमारे घर के जो हैवी उपकरण होते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर हो गया, रूम हीटर हो गया, पानी गर्म करने वाली जो इलेक्ट्रिक रोड होती है वो, या फिर इलेक्ट्रिक गीजर होता है पानी गर्म करने का उसको, या फिर इसी तरह के जो हमारे घर में आटा चक्की वाली मोटर होती है उसको, या फिर यदि आपने वाटर पंप वगैरह लगवाया हुआ है अपने घर में, तो इस तरह के यदि आपको हैवी उपकरण चलाने हैं तो उनके लिए आप इस एसी बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आपको एक एमसीबी मिलती है और एक ये पावर सॉकेट और एक पावर 3-पिन टॉप भी मिलता है। तो 3-पिन टॉप के वायर आप जो है अपने उपकरण के साथ कनेक्ट करके रख सकते हैं और इस एसी बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी वायरिंग के बारे में यदि बात करें तो सबसे पहले मैं इसे खोल लेता हूँ। तो जब इसे ओपन करके आप इसके बैक साइड में देखेंगे तो इसके बैक साइड में आपको एक एमसीबी के 2 टर्मिनल और इस पावर सॉकेट के भी 2 टर्मिनल देखने को मिलेंगे। तो जहां पर ये पावर सॉकेट के ऊपर L लिखा हुआ मिले, वहां पर आपको हमेशा ही फेज वायर लगाना है और उस फेज वायर को कनेक्ट करना है अपनी एमसीबी के साथ। और इस इंडिकेटर की बात करें तो इस इंडिकेटर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप यह चाहते हैं कि यह इंडिकेटर हमें 24 घंटे यह बताता रहे कि हमारे घर में लाइट आई हुई है या फिर नहीं, तो आपको इसके दोनों वायर जो है सीधे इनपुट वायर के ऊपर लगाने होंगे। और अगर आप यह चाहते हैं कि यह इंडिकेटर तब ऑन हो जब हम अपने उपकरण को चला रहे हैं, यानी कि इस एसी बॉक्स को ऑन या फिर ऑफ कर रहे हैं उस वक्त ये इंडिकेटर ऑन ऑफ हो, तो फिर आपको इसके कनेक्शन इस पावर सॉकेट के दोनों टर्मिनल के ऊपर करने होंगे। तो पावर सॉकेट के जो लाइन वाला वायर था उसका वायर आपको एमसीबी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है, और जो न्यूट्रल वाला वायर है उसके ऊपर आपको न्यूट्रल वायर लगाना है, और साथ ही आपको इस इंडिकेटर का वायर भी लगा देना है। जो एमसीबी का एक टर्मिनल बचा हुआ है उसके ऊपर आपको जो है इनपुट सप्लाई का वायर लगाना है, और वो मैं इंडिकेटर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। मुझे यह इंडिकेटर हमेशा ऑन रखना है, यानी कि मैं इसको इस तरह से कनेक्ट कर रहा हूँ जिससे यह जब तक लाइट रहेगी तब तक ऑन ही रहेगा। तो यह बात आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इस इंडिकेटर का किस तरह से यूज़ करते हैं। और याद रहे दोस्तों कि इस एसी बॉक्स की वायरिंग जो है आपको 4 mm के वायर से करनी है, और इसके ऊपर आपको 4 mm का ही वायर यूज जो है लगाना है, क्योंकि ये हैवी उपकरण को चलाने के लिए यूज़ करते हैं, तो हैवी लोड के लिए जो है 4 mm की वायर का ही यूज होता है। तो ये देखिए दोस्तों, इस एसी बॉक्स की वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और अब मैं इसको वापस
फिक्स कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसके ऊपर उपकरण भी चलाकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैंने इसके जो है वायर अपने सप्लाई के साथ लगा दिए हैं और इस सॉकेट के अंदर मैंने हमारे घर के मिक्सर ग्राइंडर का जो थ्री पिन टॉप है वो डाल दिया है और इस एसी बॉक्स के ऊपर जो इंडिकेटर ग्लो हो रहा है वो मैंने डायरेक्ट सप्लाई के ऊपर लगाया हुआ है, यानी कि जब तक लाइट रहेगी इस एसी बॉक्स के अंदर तब तक यह ग्लो होता रहेगा, जलता रहेगा। और अब मैं इस MCB को ऑन कर देता हूँ। तो MCB ऑन करने के बाद जैसे ही मैं ये मिक्सर ग्राइंडर को ऑन करूँगा ये ऑन हो जाएगी। इस तरह से आप इस AC बॉक्स के जो है वायर कनेक्ट कर सकते हैं। और इस AC बॉक्स का एक फ़ायदा ये भी है कि इसके ऊपर जो है इसको ढकने के लिए अलग से कवर दिया होता है, ये शीशे से लगे होते हैं। और इसे दोस्तों यदि आप किसी ऐसी जगह पर लगा देते हैं जहाँ पर बारिश का पानी गिर रहा हो या फिर कोई और पानी वाली जगह पर भी लगा देते हैं तो भी इस पर भी कोई ख़तरा नहीं होएगा क्योंकि यह पूरी तरह से कवर्ड है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और यदि वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो या कुछ भी आपको इस वीडियो के बारे में जानना हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।